मेरा नाम है आमिर शहजाद और मैं यूएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। यहाँ पे मैं पाकिस्तान में आया हूँ प्रमोट टूरिज्म, और यहाँ पे मैं आया हूँ इस बात के साथ वॉक फॉर ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान। ये दो चीज़ का हमारा जो मेरा मकसद है कि इसको प्रमोट करो। एक तो पाकिस्तान के बारे में जो नेगेटिव इमेज बना हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको प्रमोट करो। पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री फॉर विजिटिंग प्लेसेज। पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेज नॉट जस्ट नॉर्दर्न एरिया। तो यहाँ से मेरी वॉक कराची से शुरू हुई है मजारे कायद से, और मैं जा रहा हूँ खुंजराब पास, जो 2300 किलोमीटर बनेगा, और इसमें मैं 60 दिन में टारगेट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो इसमें मैं सिंध के बहुत सारे एरियाज को, दही इलाकों को भी विजिट करूँगा, और इसके अलावा पंजाब के पी के एंड बलूचिस्तान एंड ऑल द वे टू खुंजराब पास। गोल जो है उसमें हमें अपने आप को एजुकेट करना है और लोगों को एजुकेट करना है ग्रीन एंड पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान के बारे में, ताकि टूरिस्ट जो पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं अभी, और वो वाकई हम प्रमोट करें पाकिस्तान को करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे आकर उनको दोबारा से आना चाहें। और स्पेशली मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को इंकरेज करना चाहता हूँ और इंस्पायर करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे टूरिज़म में, यहाँ पर आके विजिट नहीं करेंगे प्लेसेस को, तो हाउ वी कैन एज फॉरनर्स विजिट पाकिस्तान। तो इसलिए दिस इज एज ओवरसीज पाकिस्तानी लिविंग इन यूएसए फॉर 15 ईयर्स, आई एम हियर एंड आई एम गोना वॉक टू ऑल पाकिस्तान, शो यू गाइस द पॉजिटिव थिंग्स अबाउट पाकिस्तान, लव ऐसी प्लेसेज हैं जैसे अपलेशन ट्रेल एंड ऑल दैट के 2200 माइल लोग करते हैं और थाउजेंड ऑफ पीपल करते हैं। अब पाकिस्तान में सिर्फ जो यंग जनरेशन है, आई वांट इंस्पायर देम कि पाकिस्तान को भी हम लोग कदमों से अपने चल के सारी चीज़ें देखें, और जब हम लोग चल के देखेंगे तो हमारा इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेट्स बढ़ेगा, जैसे सिंध, पंजाब, अब के पी के, बलूचिस्तान। जब हम इन जगहों से गुजरेंगे और वो हम तो उससे लर्निंग करेंगे लैंग्वेज को, फूड को लर्न करेंगे, अपने कल्चर को लर्न करेंगे खुद के लिए, और जब उससे बहुत सारी हमारी वीडियोज़ बनाएंगे, ब्लॉगिंग करेंगे, वो जब इंटरनेशनल मीडिया पर जाएगी और लोग देखेंगे कि हाउ लवली एंड ब्यूटीफुल कंट्री दिस इज एंड हाउ मच लव दे हैव फॉर ईच अदर, सो दे विल कम टू दिस कंट्री, आई वांट टू एक्सप्लोर द कंट्री एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। इंस्टेड ऑफ मैंने यूरोप में विजिट किया, यूएस में भी बहुत सारी प्लेसेस विजिट की हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टू प्रमोट माय पाकिस्तान, बिकॉज यू हैव लव फॉर पाकिस्तान, यू ऑलवेज लिव आउटसाइड, इट्स ओके, यू नो यू दिस इज योर कंट्री। यार जो मैसेज है वो नॉट जस्ट टूरिज्म के बारे में नहीं है, जब तक हम लोग अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, जैसे हमारे क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान पे, जब तक हम लोग अपने नेटिव लोगों को जो हमारे विलेजेस में हैं, वो स्मॉल टाउन में हैं, जब तक स्टूडेंट्स हैं उनको हम एजुकेट नहीं करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं आएंगे, इस कंट्री में आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक, तो हमें इंडस्ट्री टूरिज्म को भी प्रमोट करना है, हमारे हाउसिंग को भी प्रमोट करना है, फैसिलिटीज को भी इम्प्रूव करना है, और उसके साथ साथ हमें ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान पर भी काम करना है और इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रमोट करना है अपने कंट्री को, ताकि लोग यहाँ पर आएँ और इन्जॉय करें इस ब्यूटीफुल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जब मैंने फेसबुक पे ये डाला कि मैं एक वॉक फॉर ग्रीन एंड ग्रीन पाकिस्तान जिसमें प्रमोट करना चाहता हूँ पाकिस्तान की इंडस्ट्री, टूरिस्ट इंडस्ट्री को, आपको वहाँ वाला प्रमोट है कि हम लोग कैसे इसको बेटर कर सकते हैं ग्रीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, तो बहुत सारे नौजवानों ने मुझसे किया कि हम लोगों को हमारा मूव भी, तो उनमें से एक है बिलाल अमान जो बोला से थे, एंड दिस इज वेरी एग्जैक्टली वी वांट, वी वांट अ मेंटरशिप, वी वांट टेक आवर किड्स विद अस, कि अब हम लोग खुद अपने नाम टैग नहीं बनाने हमें कि यार मेरा नाम आएगा अखबार में और मेरा नाम टीवी पे आएगा, ये वो, हमें अपने लोगों को, हमारे अपने बच्चों को साथ लेके चलना, दीज आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, दीज आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। तो ये इसने बहुत बड़ी हिम्मत किया है, ही स्टार्ट वॉक विद मी, इंशाल्लाह ही विल कंप्लीट विद मी एंड दैट्स गोना बी गो। अब इसमें ये जो कराची से खुंजराब का डिस्टेंस मैं कवर करूँगा, आई एम गोना कवर अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस, बहुत सारे लोगों से मिलने वाला हूँ, एक्साइटेड, जो लोग काम इंडस्ट्री में कर रहे हैं, जो लोग हेल्प कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट को बिल्ड करने में, टूरिज्म को बिल्ड करने में, और हम लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाने वाले हैं। तो farozaan.tv पे आप मेरी रोज की अपडेट देख सकते हैं कि फिर आया है, अगर आप मुझे मिलना चाहें तो कंटीन में जाए, और मेरा यूट्यूब चैनल है आमिर फूड सेंस के नाम से, यू हैव राइट देयर आमिर फूड सेंस, उस पर ही मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो वॉच farozaan.tv।